आज आपको दिखाने जा रहा हूँ टिकरपड़ा की बेहतरीन जंगल। जंगल में जंगल के बारे में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हाथी हैं, लेकिन उधर हाथी अभी अभी कवर करके गए हैं, लेकिन हम इस तरफ आ गए हैं। लेकिन ये खतरा देहरे जंगल के ऐसे बच्चे जो मिल जाए जो खाए हम खाएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में हम कच्चा खाए थे, लेकिन आज क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको दिखाऊँगा। कितना कितना खतरनाक जंगल है, ये मेरे लिए नामुमकिन है। इतने बड़े जंगल में आया हूँ, लेकिन उस तरफ मेरे को उम्मीद होगा। उस तरफ नदी है और हम नदी के पास जाएंगे और प्यास बुझाएंगे। लेकिन ये देखिए हाथी का, ये देखिए हाथी का गबर है, ये हाथी का गबर। यहीं से हाथी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से सावधानी से ऊपर नहीं तो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उस तरफ हाथी होगा। लेकिन उस तरफ भी दिखाओ कितना सा डेंजरस जगह है, लेकिन हम नीचे चलते जाएंगे। और नीचे जाने से तो हम कुछ इंसानियाँ बस्ती भी मिल जाएगा, लेकिन हम आगे जाते हैं। लेकिन हम पहले से बनाना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई जानवर हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हम मेरे पास एक चाकू है, मैं चाकू के सहारे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तो ये नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी भी मिल सकता है। मैं खोदता हूँ, खोदने से पानी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा देखता हूँ। सूखी मिट्टी आ रही है और ये पानी नहीं, ये सूखी मिट्टी है मिल रहा है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, आगे मिल जाएगा मेरे को उम्मीद है। यहाँ से झरना बहती है और आगे नीचे से जरूर होगा नदी, और नदी से मैं प्यास बुझाऊँगा। लेकिन पानी तो नहीं, देखिए मेरा बदन ऐसे पेशाब से गिल्ला हो गया। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे नदी भी देखता है। हम प्यास बुझाएंगे, लेकिन वही इधर भी देखिए, इधर भी हाथी ने बाधी किया। लेकिन हम इधर से निकल जाते हैं क्योंकि नीचे तेजी से जा रहे हैं। और तेजी से जाते हैं, जाने के लिए हमको ताकत होना चाहिए। लेकिन हम तो नीचे जाने के लिए नहीं, ये खाने के लिए सही नहीं है। नहीं तो पत्ता भी, कुछ पत्ता खाने के लिए सही है, लेकिन ये सही नहीं है। और आगे आगे देख रहे हैं आपको, आगे देख रहे हैं वो दिख रही है, और नदी हो सकता है, बड़ा सा नदी है। लेकिन हम आपको नदी के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। ये बड़ा सा नदी है और ये देखिए कितना बड़ा सा, ये देखिए कितना बड़ा सा नदी है। देखिए उस तरफ दिखाए, उस तरफ देखिए कितना बड़ा सा नदी है। उधर अच्छा नदी है, हमारा प्यास बुझ जाएगा और खाने ढूंढने के लिए मछली पछली भी मिल जाएंगे। बस हम अभी हम पहुंच चुके हैं एक महानदी की जलधारा राशि के पास। अब वहाँ कितना बड़ा सा नदी, ये नदी आ गया और इतना पहाड़ है। लेकिन ये धागा तो है, ये अच्छा धागा है। लेकिन ये देखिए मेरे लिए कुछ काम की चीज़ है। और हम आगे आप जब भी नदी के पास जा रहे हो और सावधानी से जाए क्योंकि मगरमच्छ हमला भी कर सकते हैं, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन उधर देखिए पर्वत, पर्वत के नीचे नदी, नदी के उस तरफ पहाड़, बीच में गई है महानदी। नदी बड़ी नदी है, अब हम नदी के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ सावधानी से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर क्रोकोडाइल हो सकते हैं, ये खतरनाक नदी है। बस ये हम देखते जाएंगे, जाएंगे और ये देखिए पूरा नदी के नीचे आ गया हूँ मैं। और ये जामुन का पेड़ है, लेकिन जामुन का पेड़ है तो जामुन भी मिल जाएगा। लेकिन हम देखिए इधर आओ, इधर आओ, उधर उधर देखिए, इधर पास पास आओ। ये जामुन का पेड़ है और ये
सही है। देखिए छोटा छोटा पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ से छोटा 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 फ्रूट होता है, लेकिन ये खाने के लिए सही है। मेरे लिए तो खाने के लिए मिल गया। और देखिए कितना छोटा सा पेड़ है, लेकिन छोटे छोटे भी फ्रूट है, लेकिन थोड़ा खट्टा है, खट्टा और मीठा है। उस तरफ भी है, ये लाल वाला नहीं, एक काला वाला हम खाएंगे। एक काला वाला अच्छा, क्योंकि ये अच्छा फल है। ये लीजिए, अभी ये अच्छा है बस। और हमारे पास ये हम आ गए हैं, लेकिन मेरा बदन का पसीना से भीग गया है, लेकिन हम सावधानी से उधर जाएंगे, लेकिन क्योंकि उधर क्रोकोडाइल हो सकता है। ये महानदी है, उस तरफ पर्वत, उस तरफ पर्वत, बीच में गए हैं नदी, लेकिन हम सावधानी से देखेंगे, नहीं तो हम बहाना भेज देंगे। देखो क्रोकोडाइल 7 फुट तक कूद सकते हैं, लेकिन आप पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, दूसरा बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस तरफ अच्छा नजरा है, देखिए इतना अच्छा बड़ी से नजरा है, सब पानी भी कहीं की जा रही है, चारों तरफ देखना चाहिए। हमला करने के बाद बीच में ले जाएंगे, हम चल के खा जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा पानी प्यास बुझाएंगे। बस खाना हो गया, लेकिन यही नदी से हम मछली ढूंढेंगे, और मछली मिल जाए तो अच्छा है, हम कच्चे भी खा सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल नजरा है, देखिए कितना अच्छा सा नजरा है। देखिए कितना, उस तरफ जाने के लिए मेरे को कोई नाव चाहिए, लेकिन बांस से मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये बांस नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस तरफ जाने के लिए, और उस तरफ जाएंगे, लेकिन सही लगे तो हम जाएंगे, नहीं तो वापस फिर हम उस तरफ जाएंगे, इंसानी बर्ती मिल जाएगा और हम फंस जाएंगे। बस खाने के लिए सही तरीके से मिल जाए तो अच्छा होगा। काम आ सकती है, ये किसी मैरिज पार्टी का टोपी है, लेकिन मेरे लिए ये धूप से बचाने के लिए सही है, धूप बचाने से बचाने के लिए सही है, लेकिन हम देखते हैं अंदर बिच्छू नहीं तो मच्छर है। अच्छा हो गया ना, ये धूप से हमको बचाएंगे। ये सूखी नारियल है, कोकोनट, हम इसके तोड़ेंगे। ये तो नारियल से कुछ भी नहीं, अब पानी निकल रहा है खाने के लिए। यहाँ से देखिए ये नारियल मिला खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं खाऊंगा, ये कच्चा कच्चा हुआ है, लेकिन अच्छा लगेगा। सही है, हम साफ करके खाएंगे, पूरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये खाना भी हो गया, लेकिन मेरे को कहीं एक मछली खाने के लिए एक कछुआ उठा है, आपको दिखाएंगे हम। चुप चुप साफ रहे, एक बार चुप, हम कछुआ दिखाएंगे। आप वो देख रहे हैं, उधर एक चट्टान के ऊपर एक कछुआ है, आप वो देख रहे हैं कितना सा छोटा सा कछुआ है, नज़र आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, ये देखिए वो छोटा सा कछुआ है, लेकिन हम तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पास जाके दिखाऊंगे। आइए हमारे पास आइए, कछुआ कितने अच्छा से उधर बैठा है, और धूप की मजा ले रही है, और नदी बहती जा रही है, और तेजी से बहती जा रही है, लेकिन हम पास जाए तो वो और भाग निकलेंगे, लेकिन हम उसको पकड़ने के लिए चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बीच में है, हम उस तरफ 5 मीटर पीछे हैं, लेकिन हम पत्थर से ट्राई करेंगे,
और लेकिन साधन से क्रोकोडाइल भी हो सकता है हमको अटैक करने के लिए। बस आप उस तरफ चलिए, बस आइए। ये देखिए कितना सा अच्छा नजर है, हम उस तरफ नदी के उस तरफ थे, हम इस तरफ आ गए हैं अभी अभी। ये हम अभी यहाँ से हम नीचे चलेंगे। गहरा पानी से समझ होता है कि यहाँ तक क्रोकोडाइल हो सकता है, लेकिन हम अच्छे से जाएंगे और उस तरफ जाएंगे। एक नाव हम बांस से बनाएंगे, लेकिन उस तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन क्रोकोडाइल हो सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे। बस आराम के लिए बैठने के लिए सही जगह है, लेकिन नदी के किनारा है, इतना अच्छा नज़ारा दिखती है देखिए। लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे, जब तक हम नाव नहीं बनाएंगे तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन ये उधर जाने के लिए होगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और ये अच्छा नजारा है, लेकिन गहरा पानी है, क्रोकोडाइल हो सकता है, मेरे को उम्मीद है। इसी महीना को एक महिला आए थे इधर, वो पानी पीने के लिए आए थे, लेकिन उस तरफ पानी इधर देखिए, उधर पानी पीने के लिए गए, लेकिन एक तरफ एक बार गए और दूसरे बार पानी लेने के लिए गए, और फिर क्रोकोडाइल आटा करके अंदर बीच में ले गए और उसको मार के खा दिया। लेकिन हम ऐसा फूल कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हम बांस ये सूखा बांस देख रहे हैं, ये सूखा बांस नाव बनाने के लिए सही है, लेकिन वो कच्चा बांस है और डूब जाएगा। लेकिन हम इस दो बांस से करेंगे दूसरे बांस से। ये हम उस तरफ जाने के लिए ये नाव बनाते, ये वाला भी हो गया, हम आग मारेंगे। लेकिन हम ऊपर आए, लेकिन पीछे से हमको क्रोकोडाइल आता देख सकते हैं। से जाएंगे हम इसी उधर जाने के लिए होगा या नहीं, आप पानी में डालकर बता देंगे आपको। और देखेंगे क्रोकोडाइल तो नहीं, इससे ही उधर एक टेम्पल है ना, और गांव भी है, हम इधर से घूम के उधर जाएंगे। बस हम अभी गांव जा रहे हैं। आप दोस्तों देखिए, मैं टिकर पड़ा घने जंगल में भी आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी दीजिए प्लीज़। हम कितने मेहनत से ये बना रहा हूँ, लेकिन उस तरफ जाने के लिए हमको एक नाव भी बनाया था और दो बांस हो गए और तीन चार पांच बांस आने के बाद हमारा भी नाव हो सकता, लेकिन हम इधर देख लिया क्योंकि उधर उधर टेम्पल है, घर भी हो सकता है, इंसान बसने भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरफ घर घूम के जाएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए हम कितना मेहनत से बना रहे हैं वीडियो, और ये कितना अच्छा सा नज़ारा देखिए, कितना अच्छा से दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में नदी गई हैं आप देख रहे हैं। और थोड़ा जूम भी नहीं, जूम थोड़ा नहीं कर, ये देखिए कितना अच्छा सा नजरा है। और हर बस हम अभी घर जा रहे हैं, बस आप आगे अक्सर देखने के लिए हमको कमेंट कीजिए, हम